बिंदु बिंदुओं ने चर्चा की है तो शांति का व्रत है। मैं ये तो नहीं जानता कि छिंदवाड़ा में कौन बंटी साहू। मैं एक बार बीच में लंबा था, 4 साल पहले मैं वृंदावन गया था, हर वर्ष जाना होता तो मैं मेरे गुरुजी आचार्य श्याम पढ़ाते हैं तो मैं भी गया। तो हाँ मैंने पूछा दीदी जी कहाँ गई, तो वहाँ लोगों ने बताया कि वो तो छिंदवाड़ा कथा गाने गई है। मैंने कहा छिंदवाड़ा में कौन कथा करा रहा है भाई? उन्होंने बताया कोई बंटी साहू है जो दीदी जी की कथा करा रहे हैं। अब आप सोचिए बंटी भैया का नाम वृंदावन में भी है। मैं गया था दीदी जी से मिलने के, लोगों ने बताया वो छिंदवाड़ा में कथा कर रही है। मैंने कहा कौन करा रहा है? तो उन्होंने बताया आप है, नाम तो सुना था, आज दर्शन भी हो गए। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि कथा में कौन आता है, कथा किसको चुनती है, ये महत्वपूर्ण है। कथा में कौन आता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मंडी भैया आप तो राजनीति से संबंधित है, राजनीति में आपका लगाव है। यदि हम किसी को वोट देते हैं जिसको हम चुनते हैं, सरपंच को चुना हमने, वोट दिया, हमारे वोट देने से सरपंच ग्राम पंचायत पहुंचेगा, हमारे चुनने से वो ग्राम पंचायत। विधायक को हम चुनेंगे तो हमारे चुनने से वोट देने से विधायक विधानसभा पहुंचेगा। सांसद को हम चुनेंगे, सांसद को वोट हम देंगे तो वो लोकसभा पहुंचेगा। हमारे चुनने से एक साधारण व्यक्ति चुन करके विधानसभा लोकसभा पहुंचता है हमारे चुनने से, पर जिसको भगवान चुनते हैं वो कथा में पहुंचता है। हमारे चुनने में और भगवान के चुनने में, गांव ये बहुत बड़ा है पर जितनी भीड़ दिन में रहती है क्या उतनी रात में रहती है? नहीं। कथा में कौन आता है इसकी आध्यात्मिक व्याख्या तुलसीदास जी रामचरितमानस में करते हैं। कथा में कौन आएगा तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, दी हरि कृपा जाई पर हो